शोक संवेदना व्यक्त करने बदलापुर खुर्द गांव में पहुंचे शहाबुद्दीन। बदलापुर खुर्द में गत 20 जुलाई को हुई निशाद अहमद 22 वर्ष की दर्दनाक हत्या में शोक संवेदना को व्यक्त करने के लिए एवं परिवारजनों को ढाढ़स बढ़ाने के लिए आज राष्ट्रीय उलामा काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधानसभा 365 शाहगंज के भावी विधायक प्रत्याशी श्री शहाबुद्दीन जी बदलापुर खुर्द गांव पहुंचे और परिवारजनों से मुलाकात कर पुलिस के आला अफसरों से मोबाइल पर बात कर पुलिसिया कार्रवाई से संज्ञान्वित हुए एवं परिवारजनों को सब्र के तल्लीन करते हुए भावी विधायक शहाबुद्दीन ने कहा कि हम जानते हैं कि जब इंसान ने जन्म लिया है तो उसकी मौत अवश्य होनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता है क्योंकि ये रीति अल्लाह की मर्जी से है, मगर जब हमारे बीच का साथी किसी ऐसी घटना का शिकार हो जाता है जो हमारे छोटे भाई निशाद अहमद के साथ हुई तो बर्दाश्त करना बड़ा ही आसान नहीं होता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बे कायनात निशाद अहमद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और बरोजे कयामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयाफत नसीब फरमाए व परिवार के सभी सदस्यों को भी सब्र जमील अता फरमाए। आप सभी स्वयं को एवं परिवारजनों को संभाले, अल्लाह मरहूम की मंगफेरत फरमाए। इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है, ये हम जानते हुए भी अपनों को जाने का है दुख होता है। हमें आपको अल्लाह से उनको हक में दुआ करनी चाहिए कि और परिवार को भी सब्र की तकलीन करनी चाहिए। लेकिन आप जिसको नाम जब्त किए उनको आप तकलीन की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनमें जो है उनसे कौन कौन लोग अभी कह लोग बाहर ये रख गया, वो भी पंजाब गया था, पंजाब से आज आ रहा है। जब नाम जद FIR हो गया, अब पुलिस खुद जो है जी किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला जी। सच्चाई है कि भाई आप लोग जो दिए किसी को निर्दोष को देंगे नहीं दिए हैं है, तो पुलिस अपना काम कर रहे हैं। चार लोग गिरफ्तार किए हैं तो एक लोग बचे हैं, वो भी एक आध हफ्ते इंतजार करिए, वो भी उनका किसी क्वेरी करने से कोई मतलब नहीं है। नामजद FIR हुआ बोले आपको धरना देना है हमको, आप क्या चाहते हैं? सिर्फ में सिर्फ अपराधी चाहिए, जिस तरह से वो अपराध किया है उसे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले।